हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, ए सेल ऑफ ईएमएफई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, प्लॉट द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल वी विथ आर। देखिए, इसमें हमको एक सेल है जिसका ईएमएफ ई दे दिया है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे दिया है, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर से, यहाँ पे जो एरो बना के ऐसे दिया रहता है, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये एक सेल जिसका ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको हम कनेक्ट किया गया क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर से। तो हमसे पूछा जा रहा है, प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल वी विथ आर। बैटरी के अक्रॉस कुछ टर्मिनल पोटेंशियल होगा इस दोनों पॉइंट के बीच, लेट से इस पॉइंट को हम ए बोल दिए और इस पॉइंट को हम बी बोल दिए, तो ए और बी पॉइंट के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो उसी को यहाँ पे भी बोल दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये भी और कैपिटल आर में के बीच ग्राफ, ठीक है। तो भी वर्सेज आपका कैपिटल आर का ग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जिस भी दो चीज के बीच हमको ग्राफ चाहिए, वो दोनों में हमको कहीं ना कहीं तो हम जानते हैं कि जिस भी दो चीज के बीच हमको ग्राफ चाहिए, उसके बीच कहीं ना कहीं से वो दोनों क्वांटिटी को हमको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इस सर्किट में पहले आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब वी और आर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वही मेरा इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे भी बोले। तो भी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। और आई का वैल्यू हम पहले से निकाल के रखे हैं, कितना, ई ई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये मेरा भी का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई ई आर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, ई आर नीचे है और इससे हम पूरा क्वांटिटी में डिवाइड किए, तो यहाँ पे भी इक्वल टू क्या आ गया, भी इक्वल टू आपको इतना आ गया, ठीक है। भी इक्वल टू आपका ये आ गया, ठीक है, भी इक्वल टू आपका आ गया ई डिवाइडेड बाय वन प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो लेते हैं, आर का वैल्यू जीरो होगा उस केस में भी का वैल्यू कितना होगा, इसमें आर का वैल्यू जीरो डालेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू जीरो, तो जीरो से कोई क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट ऊपर ही, तो किसी भी क्वांटिटी में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा, यानी जब आर का वैल्यू जीरो तो भी का वैल्यू भी जीरो। और मान लो कि यदि आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है, पहला ये हम लिए, दूसरा हम ये ले रहे हैं कि जब कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है, तो ये दोनों वन हो जाएगा, ये वन और ये वन कितना हो जाएगा, टू, यानी उस केस में भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब एक तीसरा केस हम लेते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि मेरा आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, जब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो मेरा बच क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाई वन, यानी भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी का वैल्यू ई के बराबर आ जाएगा, तो भी इक्वल टू ई आ जाएगा, जब जब आर कितना रहेगा, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए, जब आर का वैल्यू जीरो है तो भी का वैल्यू जीरो है, उसके बाद जब आर इक्वल टू आर है तब भी का वैल्यू ई बाई टू है, और भी का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, मैं भी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया आपका ई के बराबर, ठीक है। तो देखिए, जीरो पे वैल्यू जीरो, आर का वैल्यू जीरो तो भी का वैल्यू जीरो, ग्राफ सी और डी में है, तो ए और बी ऑप्शन तो मेरा छट गया पहले ही, ठीक है, ए और बी ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, ए हो सकता, ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो मेरा आर इक्वल टू जीरो पे भी इक्वल टू जीरो है, तो आर इक्वल टू जीरो पे भी इक्वल टू जीरो इसी दोनों ग्राफ में है, ठीक है। अब डी वाले में देखोगे तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है भी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा सही बात है, भी बढ़ते जाएगा लेकिन भी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ई के बराबर, तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में, तो मेरा सही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।